एक उच्ची सुची ईमानदार शख्सियत के मालिक सरदार परमिंदर सिंह जी जो कि बीते दिनी अपनी संसारिक यात्रा पूरी कर प्रभु चरणा विच जा विराजे। उन्होंने अंतिम अरदास पाठ का भोग पिंड फतेहपुर तहसील नाभा पटियाला विखे पाया गया। इस मौके आईया हुई संगत जिथे गुरु साहेब अगे नतमस्तक हुई उथे ही रागी जथिया वालों रूहानी कीर्तन किया गया। जनाब अजमीर खां जी सकत्तर ने डिवीजन अमलोह दे एट पंजाब दे सरदार गुरजट सिंह जी संगरूर दे उत्ते पहुंचे वालीवाल पूरी करदे गुरु साहब दे चंदा जी राज मान जी। मैं तो पहला सारी सरकार नूं सजण दे उहनां दे बारे उहनां दी खिडारी जीवन बारे दस्सिया। मैं समझदा इस परिवार नाल मेरी संबंधन दे उहनूं लगदा सी कि मैं खिडारी वजो गल करिए मैं समझता कि उन्होंने पंजाब के पूरे हिंदुस्तान के अपना खेड अच्छे काम लगाया। जो गल करी जाए पंजाब खेड को प्रमोट करनी तो मैं समझता कि पंजाब के यूनिवर्सिटिया के कॉलेजों के पिंड कि टूरनामेंट होता है तो सब तो अगे अगे टूरनामेंट में भाग लेंगे टूरनामेंट करवाने तो मैं समझता कि इन्होंने सिखाए हुए बहुत बड़ी गिनती खिडारी जो लगिया उच्चे अहदों से बैठे थे जो पंजाब की सेवा कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा बदला कहता हुआ क्योंकि हर एक इंसान ने होना हर एक इंसान ने चले जाना जो चंगे काम किए उन्होंने याद कर रहे हैं। तो मैं समझता कि इन्होंने जो चंगे काम किए ने आप सारे याद कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा बदला कहता हुआ अपने वालों अपने परिवार वालों इन्हों को चंदा का फुल भेट करता उस सरकार को अपने चरणा जनाब बेनती करता कि इन्हों अपने चरण नवाज बखे और पिछले परिवार को भाणा मनना फल बखे। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतह। मैं सुनवाती हाँ सरदार रणजीत सिंह जी की
हरमन प्यारे इलाके से आगू अपनी बुढ़े माता पिता की डोरी अपने बच्चों ने जिन्होंने बहुत अजय जरूरत की प्यारे पिता परमिंदर सिंह जी की अंतम अरदास सहज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हजूरी जो बैठी साहब सद जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। औखी घड़ी ना देख नहीं अपना पित संभाल मेरे बादशाह जल तक सुनती है तू कद ऐसी घड़ी औखी ना दिखा रही कि बर्दाश्त कर तो बाद ऐसी औखी घड़ी इस परिवार के नहीं माता पिता लगी नहीं बच्चों लगी नहीं पंजाब पद्धर नहीं देश विदेश जितने भी मित्र दोस्त बैठे थी मैं देख रहा कितों कितों सारिया पार्टियां आगू सारी ऑर्गनाइजेशन के आगू जिन्हों दोस्तों मित्र खेले कटे रहे उन्होंने बहुत वाडा घाटा सज्जन मेरे रंगने जाए सस्ते वीरान जिसे बंदा सोच नहीं करता कि ये भी गल हो सकती है बस मेरे किता कुछ नहीं जा सकता शरीर ही कितने जितया सपना सौरी वंजना सब मुकलावन हार ये सारे की वारी आनी हर एक की वारी है वारी आपको अपनी के मिले ये किसी नूं कोई पक्का पता नहीं कि फलां व्यक्ति किन्नी आयू दा है उन्हें पहला चलिया जा रहा है या फलां बहुत तो 20 साल छोटा है या उन्हें देर ना हो जाना किसी कोई पता क्या जाने कि वो मरेंगे ऐसा मरना हुई सिर्फ आता है कि माँ के गर्भ मरना है जन्म लैन सार मरना है बचपन च मरना है जवानी च मरना है बुढ़ापे च मरना है किसी को कोई खबर नहीं आने वेले भी आना दुनिया की दुनिया चलती है आने वाला भी खबर होंगे साहब जी जब जब दुनिया को निश्चित होता है तो दोनों भी दुनिया की देखती है जान पेगी बेखबर तो बेटा वड्डा घाटा मैं समझा कि बंदे भी असह असह जिहड़ा हमेशा हमेशा नहीं परिवार के नाल तुसीं आए हो सारे दी परमिंदर दी याद हमेशा याद रखना है पर तेरा भाणा मीठा लगे इस तो वड्डी गल कोई नहीं साडे गुआंढ दे जिस जिले च आपां अज बैठे आहां श्री फतेहगढ़ साहब दसवें पातशाह दे छोटे दास माता गुजर कौर जी माता जी उन्हां दे प्यारे पोते बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी जो शहादत दे गए शहीदी दे गए दुनिया दिया अखा दे अत्थरू सी सारी दुनिया के मन सोच सी पर मेरे पातशाह ने कहा तेरा भाणा मीठा लागे होना ही
पर साढ़े बस की गल नहीं, साढ़े बस तो बाहर कर दिया। एक मुसलमान फकीर कब्रस्तान के कोल साहब संगी रहता सी, और जदों कि किसी की मौत होनी उसे दफनाउन आना या दग लाउन आना, हर बंदे हर उस व्यक्ति को अपना अपना दुख है उसे कहना। कैसे मूर्ख लोग ने रब की बनाई हुई चीज रब लैके रोंदे बड़े, पता नहीं कितों कितों ये रोना सीखते हैं, किनिया किनिया सजा का किए रोते हैं, कितों सिखलाई करिए। चलता रहा चलता रहा, एक दिन ऐसा आया जदों देहांत हो गया, कोई अथरू नहीं गे रहा, तो संगी भाणा मन लिया भी अल्लाह का परवाह करना चाहता अच्छू सजना का, जिन्हों के नाम बोलने मेरे को पहला रह गए थे सारे के नाम रहे मेरे वक्तों बाहर। तो मैं राजी हाँ श्री सतपाल पुत्र जी जो कि प्रेसर पोत्र ने पंथ को भी विशेष तौर पर पहुंचे हैं, उस अकालीगल से सरदार गुरपाल सिंह जी कलौर जेडे कि सीनियर आगू ने कांग्रेस पार्टी पंजाब के, सरदार हरजिंदर सिंह जी बदू प्रधान तक यूनियन भाजपा है, सरदार विक्रमजीत सिंह जी जो एस एच ओ ने मनौर तो हैप्पी सब इंस्पैक्टर ने वो भी पहुंचे प्रमुख रूप से। सब तो पहला मैं जिक्र करेंगा मानो पेंडू विकास ने पंचायत मंत्री पंजाब सरदार सुरजीत सिंह जी रखना था, उन्होंने जो सो संदेश भेजा कि इंप्लाइज फेडरेशन पंजाब ऑन सिविल बोर्ड इंप्लाइज फेडरेशन जी एक संबंध है अमलों को उन्होंने शोक संदेश भेजा। टैक्नीकल सर्विस यूनियन अमलों टैक्नीकल सर्विस यूनियन भंगलपुर उन्होंने भी शोक संदेश भेजा। अध्यापक दल पंजाब सरदार मनमोहन सिंह जी बराड़ जिला पंचायत मंत्री खबर गुरु ग्रंथ साहब जी के बीच बैठे गुरु पात्र जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का फतेह। कई मौके अजे होंगे ने जो बोलने बारे कहा जाता उसे कोई दावे नहीं कर रहे। मेरा बहुत ही प्यारा कहा बहुत ही विस्तार जिसे बहुत लंबा समा खेड का भी मिले। मैं बदले को पढ़िया परिवार सारा ही परिवार इस परिवार को बहुत उस समय दौरान सू निक मिलया अमीर जी प्रबंध बारे मैं ऐसे मौके से धनवाद करना को बहुत ही सोचा हुआ ध्यान बहुत ज्यादा हो गया परिवार वालों खुक होया कि तुम इस ज्ञान के किसी वही गति इस परिवार के नाम दुख साझा किया इस परिवार को उत्साह दिता। मैं अपने परिवार को परमिंदर के सारे परिवार को अपने बहुत सत्कार जिन्होंने कही जगपाल सिंह धारीवाल साहब अच्छे माता जी वालों साने पत्नी परिवार किया जाता सब्जियां चाहता जिन्होंने आके इस परिवार की हौसला दिता कि अपना परिवार प्राप्त किया और आशीर्वाद दिता गुरु दिया देखा लैंड देखा बच्चे उस सारे लंगर के पट के जाने की कृपा करनी